उपचुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी निचले इलाकों से भेदभाव कर रही है। निचले इलाकों में विकास से बीजेपी ने हाथ झाड़ दिए हैं। धर्मशाला दूसरी राजधानी है, इसे कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने अधिसूचित किया था। जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी इसे लेकर व्यापक कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि धर्मशाला में दूसरी राजधानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जबकि ये कहना गलत है। यहाँ पर शिमला की ही तरह विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलता है। बीजेपी तो तपोवन स्थित विधानसभा परिसर को अन्य कार्य के लिए उपयोग करना चाहती है। मुकेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धर्मशाला अगर दूसरी राजधानी रहती है तो इसका लाभ कर्मचारियों को भी होगा। मुकेश ने कहा कि कांग्रेस का धर्मशाला से भावनात्मक रिश्ता है। धर्मशाला व शिमला दोनों स्थानों पर स्मार्ट सिटी बन रही है, जबकि सरकार ने इसके लिए मिलने वाली फंडिंग रोक रखी है। अब सरकार 50-50 की बात कर रही है। कांग्रेस के सत्ता में आने पर धर्मशाला में भी वही वेतन व भत्ते दे होंगे जो शिमला में है। मुकेश ने कहा कि बीजेपी ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग करके कर्मचारियों से अन्याय किया है। जो मामले ट्रिब्यूनल में हल होते थे वे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मुकेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में पिछले दिन पत्र बम खूब चला, लेकिन उसकी जांच का स्टेटस क्या है ये बात जनता जानना चाहती है। गद्दीबस पैसे बांटने का जो मामला सामने आया उसे देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर पर प्रचार से रोक लगनी चाहिए। सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार अधिकारियों के दम पर चुनाव जीतना चाहता है। पत्र बम में जो भ्रष्टाचार की बातें लिखी गई थी उनका क्या हुआ, ये जांच का विषय है। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आयोजन की तैयारियों को लेकर रामपुर में जिलाधीश शिमला की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जवाबदेही सेवाओं के लिए अभी से तैयारियां पूरी की जाएं। रामपुर बुशहर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान बिजली, पानी, परिवहन और कानून व्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 11 से 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 4 से 6 नवंबर तक अश्व प्रदर्शनी रखी गई है। इस बार पहाड़ी और बुशरी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नाइट बुशरी कलाकारों के लिए रखी गई है। इसके अलावा युवाओं में बढ़ते नशे को देखते हुए मेले से पूर्व वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने पर भी सहमति बनी है, ताकि युवा खेलों की ओर आकर्षित हों। इस दौरान स्थानीय विधायक नंदलाल ने बताया कि लवी मेले के दौरान जुए का धंधा जोरों पर चलता है। उन्होंने बताया कि रामपुर आसपास और सतलुज नदी उस पार गए के कारण असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस पर अंकुश लगाने के प्रयास हों। जिलाधीश शिमला अमित कश्यप ने बताया कि ये मेला 300 साल पुराना है। ये मेला रामपुर की शान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की शान है। मेले के बेहतर आयोजन हो इसके लिए बैठक रखी गई है। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखे इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस बार एक सांस्कृतिक संध्या बुशरी नाइट होगी, ताकि स्थानीय कलाकारों को मंच मिले। कसौली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लिट फेस्ट में धारा 370 को लेकर कुछ लेखकों ने टिप्पणी की थी। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए नसीहत भी दी थी, जिसका हिंदू जागरण मंच ने कड़ा विरोध भी किया। वहीं पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रशिमधर सूद ने इस संवाद का विरोध किया था, लेकिन इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने हिंदू जागरण मंच के विरोध का ही विरोध कर डाला और बयान मीडिया के माध्यम से जारी कर नसीहत देते हुए कहा कि संवाद पर विवाद नहीं होना चाहिए। बस फिर क्या था, ये बात हिंदू जागरूक मंच को रास नहीं आई और वे शांता कुमार के विरोध में उतर आई और माल रोड पर वरिष्ठ नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री विवेक मोदगिल व
प्रांत संपर्क प्रमुख राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में उनका पुतला फूंक दिया। और कहा कि शायद शांता कुमार अपनी पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा भूल चुके हैं। यही कारण है कि जो लेखक भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं और शांता उनका साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि आज हिंदू जागरण मंच ने विरोध स्वरूप पुतले जलाए और उन्हें हिंदुत्व के एजेंडे की याद भी दिलाई। विवेक ने इस मौके पर भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब शांता कुमार ऐसा बयान दे रहे थे तो वरिष्ठ मंत्री भी उनके साथ बैठे थे, लेकिन उन्होंने इस संवाद का विरोध नहीं किया, जैसे उन्हें भी भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे की कोई जानकारी नहीं है। एक तरफ वरिष्ठ नेता शांता कुमार राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं, दूसरी ओर वे प्रेस वार्ता कर अपने संवादों से ऐसा विवाद खड़ा करते हैं। विवाद में उनके अपने भाजपा नेता ही फंसे नजर आते हैं। अब कसौली लिट फेस्ट का ये विवाद कहां और कैसे जाकर सुलझता है, इसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस विवाद की तपिश में कौन कौन नेता हाथ सेंकता है, ये देखने वाली बात होगी।